बाकी सब तमाशा देख रहे थे, छोटे छोटे बच्चे मर रहे थे। एक पुलिस वाला था, एक लड़की को उठा के अपने कान से उठा के तुरंत लेके भाग गया, वो जिंदा थी ना, पानी में से निकाला। 60 से 70 लोगों को जिंदा बचाया, जिंदा बचाया, 60 से 70 लोगों को निकाल लिया आपने आधे घंटे के भीतर। अच्छा, ये मटमैले गंदे पैर, ये कहानी बताने के लिए आज आपके सामने मौजूद हैं कि उस समय क्या हुआ और कैसे इन लोगों ने, जब लोग गिरे मोरबी के ब्रिज से, तो बचाया, जो जिंदा लोगों को निकाला गया, जो पहले जो प्रशासन की टीम वो एक घंटे आधे घंटे की देरी से पहुंची, जो ये स्थानीय लोग थे ये सबसे पहले पहुंचे। तो अभी जब हम थे तो जो आसपास के जो अधिकारी या फिर जो लोग समाज सेवी हैं उन्होंने बताया कि इन लोगों ने सबसे पहले लोगों की मदद की। क्या नाम है आपका? इलियास। इलियास। आपका? असीम। असीम। आपका? बशीर। बशीर। हाँ। तो इलियास, क्या ये कोई रमजान भाई भी पहले थे? रमजान भाई बहुत मेहनत किए हैं। रमजान भाई? हाँ। अच्छा, हम अभी इत्मीनान से बात कर लेते हैं। क्या नाम बताया आपने? इलियास। इलियास। इलियास, क्या उम्र है आपकी? मेरी 19 साल उम्र है। तो क्या हुआ शाम को, कैसे पता चला आप लोगों को? शाम का मतलब फोन आया, वो जो मेरा दोस्त है आरिफ, इसका वहीं पर दुकान है, उसका मालूम पड़ा, उसने फोन किया, मतलब हम आ गए 7 बजे देखा, मतलब आदमी की भीड़ ही है, तो सब कुछ सोचा नहीं हमने, आदमी को बचाने लगे। तैरना आता? हाँ, तैरना आता है। आप लोग एक नदी किनारे के तैराक हो? हाँ, ठीक है। मतलब हमने कभी ये काम किया नहीं है, लेकिन हमको आता है तैरना, और मतलब आसपास के जो है, मतलब जो हम पहले जो क्या बोलते हैं लते, मतलब इलाके, वो इलाके वाले सबको जिसको मालूम पड़ा, वो नहीं पुलिस आया था, नहीं कोई मीडिया वाला के, नहीं कोई भी आदमी, पहले ही हम लोग को आके बाइक में, एम्बुलेंस भी नहीं आया था, बाइक में जिंदा आदमी को सबको लेके वो अस्पताल पहुंचा रहे थे। बाइक से? हाँ, बाइक, ऑटो, सब बाइक से, जो जिंदा थे वैसे पहुंचा रहे। ये आप लोग कहाँ पे आप, ये जैसे ये नदी है, ठीक है, तो यहाँ तो पूरा ये जलकुंभी और ये है, ये सब उस तरफ था, 400 जितने आदमी थे मालूम नहीं हमको, ये पुल गिरा, आदमी गिरा, मतलब ये सब हट गया था, वो उसके हाँ, वो पानी का फोर्स मतलब होता है, कुछ भी डालते हो तो अपन कैसे मानी जाता है, फैलता है, वैसे ये सब साइड में चला गया था, मतलब जगह हो गई। इधर से आके मुझे बताओ, आप इधर आओ, कि जब ये पुल गिरा यहाँ पर, जब ये यहाँ यहाँ से भी उधर से टूटा, बीच से कि उधर से किनारे से? हमको मालूम नहीं है। हाँ, टूटा इधर ही आ जाओ आप, इधर ही आ जाओ। तो फिर उसके बाद आप लोग कहाँ, ये नहीं था तो आप सीधे कूद गए? हाँ। फिर क्या हुआ? टीम वगैरह था, मतलब आदमी आते गए, भीड़ होती गई, फिर पुलिस आए, ये सब टीम आई, तो लोग चीख पुकार कर रहे होंगे, चिल्ला रहे, बहुत बहुत जान से, कैसे जान जाने वाली, कोई उठा नहीं रहा था, सब लोग वीडियो और सब ऐसे निकाल रहे थे, लेकिन हमको ऐसा लगा कि नहीं, ऐसे नहीं अच्छा लगता हमको, अपनी जान से ज़्यादा उसको उठा के सबको वहाँ से निकाला है, जैसे इधर मर रहे थे सब लोग, कोई देख नहीं था, बाकी सब तमाशा देख रहे थे, छोटे छोटे बच्चे मर रहे थे, तो हमने सब ने उठाया, ये सब इसका फोन आया, हम तुरंत ही आ गए, और तुरंत जिसने उठा के सबको निकाला था बाहर, बाकी सब सबसे पहले हम और इरफान भाई सब इधर आ गए थे, सब तो पानी में कूद गए, जितने इधर थे ना उसको सबको पहुँचाया, फिर पानी में कूद के सब लोगों ने, जो जिंदा था उसको भी निकाला, उसको भी 108 में डाल दिया। कितने लोगों को निकाला होगा आप लोग कुल? इधर बहुत भीड़ थी, बहुत मर, 10-15 तो इधर ही मर गए, हिसाब नहीं है कोई, लेकिन 10-15 लोग तो मर गए थे, बाकी तड़प रहे थे, सबको उठा के भेजा यहाँ से। कैसे गए सब लोग? हमने उठा के जैसे बोल भी नहीं पाए थे, उतना हमको श्वास चढ़ गया था, लेकिन क्या करें, किसी की जान बचाना तो जरूरी है, कुछ नहीं था, हाथ में उठा के भाग रहे थे, चार चार आदमी हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के भाग रहे थे यहाँ से। हम अपनी मानवता के लिए उसको जिंदा पहुँचाया है 108 में उठा के, बाकी कोई सब लोग क्या मीडिया और तमाशा देख रहे थे, कोई नहीं था, नहीं मीडिया थी, नहीं पुलिस थी, कोई नहीं था, एक ही पुलिस वाला था, उसने एक लड़की को उठा के, एक पुलिस वाला था, एक लड़की को उठा के अपने कान से उठा के तुरंत लेके भाग गया, वो जिंदा थी ना, पानी में से निकाला। गई थे पानी में रहने वाले, मतलब जो पानी में नहीं तैरना आता था तो भी इतने तक चले जाते थे, उठा के लेके आते थे। इधर से टूटा? हाँ, इधर से ही टूटा है, लाइव इसका सीसीटीवी कैमरा भी है, वीडियो भी है। नहीं तो जैसे
पुलिस कितनी देर में आई, प्रशासन कितनी देर में आया? पुलिस मतलब जैसे मालूम पड़ता गया, जैसे हम पहुंचे एक पुलिस वाला था, उसका नाम कुछ अच्छा है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, संजय भाई के कुछ है ऐसा कुछ। वो कपड़े का बंडी पेड़ा हुआ था लड़कियों को, खंभे पे उठा के तुरंत भाग के पहुंचा दिया, और फिर सब पुलिस लोग सब आ गए। हमने तो यहाँ से सबको देखो, इधर बहुत पड़ा हुआ था आदमी लोगों को, यहाँ से उठाया। जो कपड़े पड़े हुए थे ये उन्हीं लोगों के हैं क्या? क्या नहीं, इधर सब बहुत गंभीर हालत में पड़े हुए थे, किसी का हाथ टूटा हुआ था, उसको भी हमने खून सा लथपथ, हमने उसको उठा के तुरंत बाहर निकाल दिया। जैसे फोन आए कैसा वो है, तुरंत इधर ही आ गए थे हम। हमने सबको टीपू वाले को, अपने वाले हैं ना जोश नगर में बीसीपरा में, सबको फोन करके मैंने सबको बुला लिया, और पुलिस वाले भी बोले कि नहीं ये लड़के लोग अच्छे है, कुछ काम किए कि उसको माना होता है, टीप में लेके आते थे। बाकी सब लोग, बाकी सब टीम आए, वो क्या बोल रहे थे कि हमने निकाला, इसने पढ़ा निकाल तो डुबकी मार के, दूसरे लोग थे ना सुरबारी वाले आए थे, उसने पूरी रात यहाँ पे रहे, उसने भी डुबकी मार मार के सबको बचाया। और मकरानी वाले तीन चार लोग निकले थे अंदर से। सबसे पहले लता पड़ता है यहाँ पास में ही, जो इलाका पहले पड़ता है ना, वो लोग सब थे, मतलब सब 40 से 50 आदमी वो भी हो गए, हम भी थे, इतना आदमी भीड़ तो हमें मालूम, जैसे मालूम पड़ने लगा भीड़ होने लगी, वैसे बस सब उसकी मानवता से हिम्मत से निकालने लगे, फिर पुलिस आई। आप लोगों को ऐसे जब इतने लोग गिरे, शोर हो रहा होगा, तो आप लोगों को डर नहीं लगा कि हम जाएंगे तो लोग, मतलब तब हम नहीं थे जब गिरा, तब नहीं, बच्चे लोग रो रहे थे, हम नहीं देख पा रहे थे, और किसी की माँ किसी की बहन सब कैसी कैसी हालत में पड़े थे, हम ही जानते हैं। हम सब ने उसको सबको मिला कर उठा कर सबको बाहर निकाला। बाकी सब लोग तो किए, दूसरे लोग तमाशा वीडियो कॉल व्हाट्सअप सब ऐसे दिखा रहे थे। मैं बोले इसको तो उठाओ, फिर एक अपना ये अपने वो पुलिस वाला कौन सा नाम है वो भी था अपना जयमाल भाई, सुन ना बोला नाम सुन वाला तो कोई बात नहीं, चलो सब पुलिस सबका सीन है, मतलब जो जो पहले पहले निकल रहे हैं वो ठीक है, जो मेहनत कर रहे हैं वो सबका सीन। पुलिस वाले भी पानी में कूद गए थे और वो जो पुलिस वाले भी मेहनत में पुलिस। तो आप लोगों ने जो आखिरी आदमी जिंदा कब निकाला, मतलब जो लास्ट लगा कि ये आदमी पड़ेगा ना इसमें, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, जैसे लड़कों को निकाला 5 घंटे तक, दो लड़कों को, इतने इतने छोटे दो बच्चे उसको निकाला हुआ है, काका भी था हमारे साथ, वो लड़के को मतलब जो निकाला उसको भान था, जिंदा था, कुछ हुआ नहीं था 5 घंटे तक। हाँ मतलब सुना है सामने ओला ना तो निकले, और निकले थे तीन लोग, दो लड़के थे और एक लड़की, 7:30 के बीच में निकला था, जिंदा था, उसके साथ से चल रही थी, उसको तुरंत बाहर 1.5 घंटे पानी में रहने के बाद। हाँ जिंदा थे, हाँ एक लड़की थी और दो लड़के थे, दोनों जिंदा, सांसें उल रही थी, उसको दबा के तुरंत ही उसको 108 में डाल दिया बस। आप लोगों को कैसे पता चला कि यह हादसा हो गया है? हमको पता, फोन आया, फोन आया दोस्त का, जैसे फोन आया कैसे रहा दूसरा वहीं पे काम करते हैं, मतलब जिसकी दुकान वगैरह है वो दोस्त है मेरा, उसने फोन किया हमको कि अब ऐसे नहीं ऐसे हुआ, इसको तो नजारा दिखता है, मतलब ये हुआ, उसने हमको फोन किया कि ये हुआ, तो हमने पहले विश्वास नहीं किया, फिर दूसरी बार पूछा, हाँ वो बोला है, तो बस हम आ गए, कुछ देखा ही नहीं, बाइक लेके। आप क्या काम करते हो? हम मैं जाता हूँ लाठी प्लॉट में, कलर शॉप में काम करता हूँ। और आप मछुआरा? आप मछुआरे हो, तो ये तो इनका तो चलो ठीक है, ये मछुआरे हैं, इनकी ट्रेनिंग है तैरने की, आपका तो उस? मैं मछुआरा हूँ पर तैरना नहीं आता है, तब भी मैं उड़की में चला गया नाव में, मानवता के लिए, कि को किसी की जान बचती है तो ऊपर वाला। तो नाव कहाँ से मिली आप लोगों? ओ, ओ, हमारा जो सुरबारी वाला है ना, वसीला लिखा हुआ नाव आई थी, सुरबारी वाले टूटा ना वो पुल का सपोर्ट था, मतलब खड़ा रहने के लिए जो पुल था लोखन का, उसका सपोर्ट था यहाँ से वहाँ तक खड़ा रहने के लिए। तो आपके साथ और कितने लोग थे जिनको तैरना आता था, जो अंदर जा रहे थे? तो आप लोगों को जो है इस तरीके से पता चला और आप लोग आ गए, तो ये लोग आए थे, आप लोग थे, आप लोग जानते हैं? हाँ थे, हम उधर ही खड़े हैं। आपका क्या नाम? चेतन भाई। तो ये जो बच्चे कह रहे हैं कि आ करके इन्होंने बचाया? हाँ हाँ सबने बचाया है, मैं भी पहले, मैं जब पहला आया ना आदमी यहाँ से उठा कर, तब मैं ही वहाँ खड़ा था, और हमने ही सबको ऑटो में, इको में और स्कूटर में, सब में जगह पे रख रख के सब लोगों को अस्पताल पहुँचाया है, हमने ही पहुँचाया है, कोई नहीं आया था। और आधा घंटे के बाद पुलिस आई और आधा घंटे के बाद एम्बुलेंस आई है, सब कुछ आधा घंटे के बाद, यहाँ से निकालने के बाद आधा घंटे के बाद ही आई है सब कुछ। किसी को हाथ से, किसी को कंधे से, सब उठा कर, ये सर उठाया था कि? उठा, सबको उठा उठा कर हम वहाँ तक पहुँचे। आप यहीं के लोकल हो? हाँ यहाँ के लोकल है, मैं बाजू में। आप ही? नहीं नहीं मैं नहीं था,
मैंने सुना इसलिए लोग थे जो ये सही है, ये सही है, ये सही है, उसकी बात है, ये पास मैंने इसलिए आप कहा थे। हम भी उसके साथ ही पानी में थे। आप भी हाँ इधर खड़ा था, मेरे को तैरना नहीं आता। अच्छा जैसे ही खड़ा रहते हैं इधर का सब लोगों को पहुँचाए, यहाँ से जितना आता है आदमी। जो तैरने वाले थे जो अंदर जा रहे थे वो यही के लोकल थे, पास में ही थे, मकरानी वास के थे, के थे और जोश नगर के थे, बीसी पड़ा और जोश नगर में मैंने कॉल कर दिया था, वो तुरंत ही टिप लेके आ गए थे, अलाउद्दीन और गनी सबको मैंने फोन करके बुलाया था कि जल्दी आओ, ऐसा हादसा हो गया, किसी की जान हम बचा सके। फिर प्रशासन ने कब से कमान संभाली और कितनी देर में उन्होंने? आधा घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद पहला आधा घंटा आप लोगों ने स्थानीय लोगों ने हमने सब लोग यहाँ से बचा कर वहाँ तक अस्पताल पहुँचाया है हमने, फिर आधा घंटे के बाद सब कुछ आ गया है। ये भी साथ में देखो आप भी थे, क्या नाम है आपका? रमजान। तो आप भी अंदर नदी में थे? हाँ जी, उठा रहे थे इधर से भी जिंदा लोग। तो जिंदा लोग भी मिले आप लोगों को? साठ से सत्तर लोग मिले। कितने लोग रहे होंगे? साठ से सत्तर हम रही गए, साठ से सत्तर लोगों को जिंदा बचाया, जिंदा बचाया, जिंदा बचाया, साठ से सत्तर लोगों को निकाल लिया आप लोगों, आधे घंटे के भीतर। अच्छा तो उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन आई, फिर उन्होंने भी बचाया लोगों को, उन्होंने भी निकाला। पुलिस भी थी, पुलिस भी सब उठा के ले जा रही थी, पुलिस आधे तक पानी में आ गई थी, तैरना नहीं आता वो भी पुलिस आ गई थी, हमको बोला को तैरना आता तो जाना पानी आगे गहरा है। तो बोले तो ये आप देखिए ये कहानियाँ निकल कर सामने आती हैं कि जब घटना हुई रात का शाम का वक्त था, पुलिस प्रशासन यहाँ जब तक पहुँचता, आप समझ सकते हैं पानी में गिरने के बाद इंसान की जान कितनी देर तक रह सकती है। तो जो स्थानीय लोग थे, जो स्थानीय हाथ थे, उन्होंने मदद किया और उन्होंने लोगों को निकाला और शाम ढल गई थी, इसलिए पता नहीं चला क्या हुआ कि पता नहीं चला, शाम ढल गई, रात का सुबह रात हो गई थी, इसलिए मालूम नहीं पड़ता था कि कितने आदमी अंदर गिरे हैं। जितने हो सके उतना हमने बचाया है, फिर बाकी सब आए और सब उसने सब निकाला।